गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आपका सिलेक्शन अड्डा के यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए साइंस। साइंस में हम बायो और फिजिक्स पैरेलल लेके चलेंगे, ठीक है ना। तीन साइंस आपकी जनरल साइंस में, आपकी सामान्य जो विज्ञान है आपका उसमें तीन आती हैं। एक तो है आपकी बायो और फिजिक्स, ठीक है, और केमिस्ट्री, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, हम सबको पता है, सबसे ज़्यादा बायो से आते हैं, उसके बाद फिजिक्स से, केमिस्ट्री से कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं, वरना ज़्यादातर चांस रहते हैं कि इससे प्रश्न नहीं आते। और आते भी हैं तो मैक्सिमम एक या दो क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में आता है। तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे, पहले बायो और फिजिक्स को पढ़ेंगे। इनकी पैरेलल क्लासेस चलेंगी। बायो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि आने वाली है अच्छे से एग्ज़ाम में। सभी एग्ज़ाम्स में अच्छे से साइंस आने वाली है, ठीक है ना। पिछली बार भी आपका ग्रुप डी वगैरह में और रेलवे में काफ़ी साइंस आई थी, तो इस बार और आप लोगों की, बच्चों की काफ़ी डिमांड्स भी आ रही है साइंस के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना बच्चों को साइंस पढ़ा दी जाए। आप लोगों की हार्दिक इच्छा है, मनोकामना आपकी पूर्ण कर दी जाए, क्योंकि कोरोना चल रहा है और कोरोना ने बस एल लगा रखी है जीवन की। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्शन क्लास से, और वो बायो के इंट्रोडक्शन क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपकी फिजिक्स और बायो की पैरेलल क्लासेस चलेंगी। बाकी जो संविधान चल रहा है, संविधान का, वो चलता ही रहेगा, उसको भी आप देखते रहें, ठीक है ना। उससे भी प्रश्न आते हैं, अच्छा टॉपिक है। देखिए, बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम किस चीज़ का अध्ययन करते हैं? तो जीव विज्ञान में हम जीवन का अध्ययन करते हैं या जीवित वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। ये जो टर्म आया है किस भाषा से आया है? ये ग्रीक भाषा से आया है, ग्रीक शब्द है ये। ग्रीक, जैसे आप ग्रीस कहते हो, वो पुराना नाम जिसका यूनान है, ठीक है। तो ग्रीक भाषा का शब्द है मूल रूप से बायोलॉजी, और ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों बायो प्लस लोगोस, ठीक है, बायोस प्लस लोगोस से मिलकर बना है क्या? बायोलॉजी। बायोस का मतलब क्या होता है? बायो का मतलब होता है लाइफ या जीवन या जीवित वस्तुएं, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, है ना, या टू स्टडी, यानी कि अध्ययन करना किसी चीज़ का। क्या करना? अध्ययन करना किसी चीज़ का। इसीलिए हम बायोलॉजी को क्या कहते हैं? बायोलॉजी को कहते हैं स्टडी ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड क्या? बायोलॉजी, ठीक है ना। यानी कि जीवन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। एक था आपका लैमार्क और दूसरा था ट्रेवी रेनस। दो वैज्ञानिक थे, लैमार्क और ट्रेवी रेनस। इन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी टर्म दिया था, बायोलॉजी शब्द दिया था, है ना। और ये बायोलॉजी शब्द इन्होंने कब दिया था? 1802 में इंट्रोड्यूस किया था। 1802 में सबसे पहले दो वैज्ञानिकों ने शब्द दिया क्या? बायोलॉजी। कहाँ के थे ये? तो ये तो फ्रांसीसी था, फ्रांस का वैज्ञानिक था, और ये कहाँ का था? जर्मनी का, ठीक है। दो वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ये शब्द दिया था। एक प्रश्न और बनता है आपसे यहाँ से कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, यानी कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? जीव विज्ञान का पिता कहते हैं, बहुत फेमस हैं पूरी दुनिया में, अरस्तु जी, ठीक है। अरस्तु को कहते हैं। अरस्तु कहाँ के थे? एरिस्टोटल। अरस्तु कहाँ के थे? ये यूनान के थे बच्चों। कहाँ के थे? यूनान के, ठीक है। और यूनान यानी कि ग्रीस, यूनान का नया नाम क्या है? ग्रीस, ठीक है। कहाँ पर है ये? यूरोप महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है ना, यूरोप में। और आपका भूमध्य सागर से लगा हुआ देश है एथेंस, यहीं से आपकी ओलंपिक खेलों की भी शुरुआत हुई थी, यूनान से। यूनान की राजधानी है एथेंस, एथेंस से शुरुआत हुई थी। तो वहीं के दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु ने एक किताब लिखी, हिस्टोरिया एनिमेलियम। कौन
कौन सी किताब लिखी? हिस्टोरिया एनिमेलियम। और इस किताब में इन्होंने सबसे पहले जीवों के, जीव जंतुओं के, लगभग 500 जीव जंतुओं के वैज्ञानिक नाम बताए इन्होंने, ठीक है ना। और इसी कारण से इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। सबसे पहले जो नेचुरल साइंस है हमारी, नेचुरल साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री जो साइंस है, उससे अलग हटके बायो को एक ब्रांच के रूप में इन्होंने स्थापना की, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। आपने सिकंदर के बारे में सुना होगा, सिकंदर महान जिसे आप विश्व विजेता कहते हैं, उसके गुरु थे ये आपके अरस्तु, ठीक है। तो यहाँ से दो तीन प्रश्न हम याद रखेंगे। पहला, बायोलॉजी किस मूल रूप से किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। ग्रीक भाषा कहाँ की भाषा है? ग्रीस की भाषा है, यूनान की, ठीक है। कौन से दो शब्दों से मतलब मिलकर बना है? बायोस से और लोगोस से। बायोस का मतलब क्या है? बायोस का मतलब है लाइफ, लोगोस का मतलब है अध्ययन करना। बायोलॉजी शब्द किन दो वैज्ञानिकों ने दिया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क कहाँ का है? फ्रांस का, ट्रेविरेनस जर्मनी का। बायोलॉजी शब्द किस ईयर, किस वर्ष दिया गया? 1802 में दिया गया था, ठीक है, 1802 में। फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं, ठीक है, या एरिस्टोटल इन्हें कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जो जीव विज्ञान है बच्चों, इसकी मुख्यतः दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की मुख्यतः मेनली दो शाखाओं में बांटा जाता है। वैसे तो इसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, 20 से ज़्यादा शाखाएं हैं, लेकिन मुख्य शाखाएं कितनी हैं? दो हैं। मुख्य शाखाएं कितनी हैं? दो शाखाएं हैं। कौन सी कौन सी? एक है आपका जूलॉजी और दूसरी है बोटनी। जूलॉजी और बोटनी, जूलॉजी को कहते हैं जंतु विज्ञान और बोटनी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। और जूलॉजी को कहते हैं वनस्पति विज्ञान। इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं जूलॉजी में? तो जीव जंतुओं का, जैसे मनुष्य हो गया, जैसे गाय, भैंस, कुत्ते, सुअर, जो भी है, ठीक है, उनका अध्ययन किस में करते हैं? जूलॉजी में। और वनस्पति में पेड़ पौधों का या पादपों का अध्ययन करते हैं। किसका? वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? पादपों का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इनसे जो क्वेश्चन बनता है वो ये आता है कि फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी यानी कि जीव जंतु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो देखो बच्चों, जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं अरस्तु जी को। किसे कहते हैं? श्री श्री 1008 श्री अरस्तु महाराज को कहते हैं क्या? जंतु विज्ञान का पिता भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने जंतुओं के, लगभग 500 जंतुओं के क्या बताए थे? वैज्ञानिक नाम बताए थे। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी थी, जो बुक लिखी थी, वो कौन सी थी? इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। हिस्टोरिया एनिमेलियम ये अरस्तु जी की पुस्तक का नाम है। आपसे एग्जाम में बार बार ये पुस्तक आती है, पूछा जाता है कि अरस्तु की किताब का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। बात करें अगर हम बॉटनी की, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, इसमें हम वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहते हैं? ये कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। किसे कहते हैं? थियोफ्रेस्टस को, ठीक है। थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने जो किताब लिखी, इन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन्होंने भी एक बुक लिखी थी और इनकी बुक का नाम भी आपसे एग्जाम में आता है, 2019 में पूछा गया है, 2019 के किसी पेपर में, मुझे अब पेपर याद नहीं रहा है, एग्जाम में ये पूछा गया, याद रखना। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ये थियोफ्रेस्टस की बुक का नाम है। इन्होंने इस बुक में लगभग
500 पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नाम बताए थे, पेड़ पौधों पर अध्ययन करके, ठीक है, उनकी पूरी जो मॉर्फोलॉजी है उस पर अध्ययन करके इन्होंने लगभग 500 पेड़ पौधों के वैज्ञानिक नाम सबसे पहले बताए। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। ठीक है, ये तो एक इंट्रोडक्शन था आपका बायोलॉजी का। इनसे जो भी प्रश्न बनेंगे वो मुझे भरोसा है कि आप कर देंगे। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मेनली पढ़ेंगे हम सजीवों के बारे में। सजीव, जैसे सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस है आप सबको पता है। आप जो मोबाइल या लैपटॉप चला रहे हैं वो निर्जीव है, लेकिन वो आप देख सकते हैं कि वो भी प्ले करता है चीज़ों को, और मैं भी क्या हूँ, मैं एक सजीव व्यक्ति हूँ, ठीक है ना। तो डिफरेंस क्या होता है कि हम श्वसन करते हैं, निर्जीव श्वसन नहीं करते। पेड़ पौधे भी क्या हैं, सजीव हैं, तो हम श्वसन करते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन करते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं जैसे दीवार हो गई, जैसे घड़ी हो गई, आपका मोबाइल लैपटॉप, ये श्वसन नहीं करते। हम क्या करते हैं, उपापचय होता है शरीर के भीतर, हम अपने जैसी नई प्रजाति उत्पन्न कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, वे नहीं कर सकते। हम उत्सर्जन करते हैं, सिक्रीशन, ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उससे जो वेस्टेज बनता है उसे शरीर से बाहर निकालने का काम उत्सर्जन करते हैं, लेकिन निर्जीव वस्तुएं ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम आगे इसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में, आपका सेल कोशिका बहुत बेहतरीन तरीके से हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगली क्लास आपकी इसकी आएगी कल। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।